नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के अमेठी में ग्रामीणों द्वारा दूल्हे की पिटाई करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आरोप है कि दूल्हे ने खाने की रस्म के दौरान बाइक की जगह बुलेट की डिमांड रख दी। इस पर ग्रामीणों ने उसे बंधक बनाकर जमकर पीटा। वहीं तब तक पुलिस आ गई और पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। मामला जायस कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा केसरिया सलीमपुर का है, जहां 17 मई को गांव निवासी नसीम अहमद की बेटी की शादी थी। बारात रायबरेली जिले के डीह थाना क्षेत्र के रोखा गांव से आई थी। दूल्हा मोहम्मद आमिर पुत्र इरफान सजधज कर स्टेज पर बैठा था। बताया जा रहा है कि बारात पहुंचने पर वधू पक्ष ने बारात वालों की खूब आवभगत की, हंसी खुशी निकाह की रस्म अदा की गई और बारातियों ने दावत खाई। इसी बीच दूल्हे ने खाने की रस्म के दौरान हीरो होंडा बाइक की जगह बुलेट की डिमांड रख दी। लड़की के पिता ने उसकी ये डिमांड भी मान ली थी और बुकिंग होते ही बुलेट गाड़ी देने को राजी हो गए, लेकिन दूल्हा व उसका पिता अड़ गए कि बुलेट के साथ ही विदाई होगी। बात इतनी बढ़ गई कि ग्रामीणों ने दूल्हे को बंधक बनाकर जमकर पीटा। वहीं जब दुल्हन को इसकी जानकारी हुई तो उसने दहेज लोभियों के घर जाने से इनकार कर दिया और दूल्हा समेत बारात वापस जाने के लिए कह दिया। वहीं मामले की सूचना पाकर जायस कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे व उसके पिता को कोतवाली ले आई। कोतवाली में दोनों पक्षों में घंटों वार्ता चली। अंत में दोनों पक्ष में बात नहीं बनने पर दूल्हे ने तलाक देकर पीछा छुड़ाया। वहीं अमेठी के अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे ने बताया कि जांच थाना क्षेत्र में एक शादी के दौरान बुलेट की मांग को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। एएसपी ने बताया कि लड़की पक्ष का कहना है कि शादी के दौरान बुलेट गाड़ी और अतिरिक्त धन की मांग की गई है, तो वहीं लड़के पक्ष का कहना है कि शादी कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के बाद लड़के पक्ष को एक कमरे में बंद कर उनके साथ मारपीट की गई। पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। थाना जायस के केसरिया सलीमपुर गांव में एक विवाह के दौरान परस्पर विवाद और मारपीट की घटना हुई है, जिसमें लड़की पक्ष का कहना है कि लड़के वाले शादी के बाद दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और अतिरिक्त धन की मांग कर रहे थे। न देने पे उन्होंने तलाक दे दिया और गाड़ी क्लोज की। वहीं दूसरी तरफ लड़के वालों का कहना है कि विदाई के समय लड़की पक्ष ने उनके साथ मारपीट की है और कमरे में बंद कर दिया था। दोनों की तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना जायस पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है? नसीम अहमद नाम है। नसीम अहमद। अच्छा, क्या हुआ था शादी में? सर पे शादी बारात आई साहब, खाना नाश्ता पानी और खाना पीना खाया अच्छी तरह से। दूल्हा गया, फिर खाना नाश्ता भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा था। ऐठा फिर जितने औरतें जो साथ में आई थी वो भी कुछ नहीं कर रही, भागी भागी फिर रही थी। तो यहाँ जुलवा टाइम हुआ, तो जुलवा टाइम फिर उसके बाद दिल्ली गया, तो फिर उसके बाद बोला कि बुलेट दो, बुलेट देने का हमने नहीं कर दिया। तो उसके बाद हमने चेक दिया, 2 लाख का चेक दिया, तो उसने गाली गलौज करने लगा, उन्होंने तलाक दे दिया, हम इसको नहीं रखेंगे। तो गाँव का दूल्हा भागते, बाप बेटा भागते चले जा रहे, तो गाँव वाले उसको इकट्ठा करके पकड़ के लाए, स्कूल से लाए दूर से। तो उसके बाद हमने कहा घर में बंद कर दिया। उसके बाद फ़ोन हम करते थे थाने को, तो सिपाही अपना ले जाएगा कि क्या चाहते हैं साथ? हम नहीं चाहते, जो हमारे साथ हो रहा साहब ये मतलब अगले 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 वाले बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? नसीम अहमद। अच्छा, क्या हुआ था शादी में? घर पे शादी बारात आई साहब, खाना नाश्ता पानी और खाना पीना खाया अच्छी तरह से। दूल्हा गया, फिर खाना नाश्ता नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा था। ऐठा फिर जितने औरतें जो साथ में आई थी वो भी कुछ नहीं कर रही, भागी फिर रही थी। तो यहाँ जुलवा टाइम हुआ, तो जुलवा टाइम फिर उसके बाद दिल्ली गया, तो फिर उसके बाद बोला कि
बुलेट दो, बुलेट देने का मना ही कर दिया। तो उसके बाद हमने चेक दिया, 2 लाख का चेक दिया, तो उसने गाली गलौज करने लगा, उन्होंने तलाक दे दिया, तलाक दे 3 लाख दे दिया, हम इसको नहीं रखेंगे। तो गांव का दूल्हा भागते, बाप बेटा भागते चले जा रहे, तो गांव वाले इसको इकट्ठा करके पकड़ के लाए, स्कूल से लाए दूर से। तो उसके बाद हम लोग कहा घर में बंद कर दिया। उसके बाद फोन हम करते तो थाने को, तो सिपाही अपना ले जाएगा के। क्या चाहते हैं साहब? हम नहीं चाहते, जो हमारे साथ हो रहा साहब, ये मतलब अगले वाले बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए टाइम 24 न्यूज के साथ। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।